नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। दोस्तों, देश की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। दोस्तों, पीएचडी एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसे मानू के नाम से भी जाना जाता है। ये तेलंगाना स्टेट की राजधानी हैदराबाद में है। आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पूरा एडमिशन प्रोसेस 6 स्टेप्स में पूरा होगा। पहले स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। दूसरे स्टेप में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तीसरे स्टेप में एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर या रैंक जारी की जाएगी। चौथे स्टेप में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। पांचवें स्टेप में सीट अलॉटमेंट और कोर्स फीस का ऑनलाइन पेमेंट होगा। और आखिरी छठे स्टेप में कॉलेज या डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इस तरह 6 स्टेप्स में एडमिशन प्रोसेस पूरा किया जाएगा। प्रोग्राम, सीट्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ सबसे पहले उर्दू सब्जेक्ट है। इसकी केवल हैदराबाद कैंपस में 4 सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसकी भी हैदराबाद कैंपस में 6 सीट अवेलेबल हैं। हिंदी विषय है, इसकी हैदराबाद कैंपस में 3 सीट उपलब्ध हैं। अरेबिक विषय है, इसकी हैदराबाद कैंपस में 3 और लखनऊ कैंपस में 1 सीट अवेलेबल है। पर्शियन सब्जेक्ट है, इसकी हैदराबाद कैंपस में 4 और लखनऊ कैंपस में 2 सीट अवेलेबल हैं। इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 55% अंकों के साथ अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में उर्दू सब्जेक्ट रहा हो या आपने किसी मदरसा से उर्दू मीडियम में पढ़ाई की होनी चाहिए। ट्रांसलेशन सब्जेक्ट की 4 सीटें हैदराबाद कैंपस में अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास 55% अंकों के साथ ट्रांसलेशन स्टडीज में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रांसलेशन स्टडीज में एमए या एमफिल की डिग्री नहीं है तो आपके ट्रांसलेट किए हुए कम से कम 5 आर्टिकल किसी रिप्यूटेड उर्दू जर्नल या मैगजीन में पब्लिश किए हों, या आपके पास इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेटर का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की हुई कम से कम 100 पेजों की आपकी कोई बुक पब्लिश हुई हो। इसके साथ ही आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में उर्दू सब्जेक्ट रहा है या आपने किसी मदरसा से उर्दू मीडियम में पढ़ाई की है, तभी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। वुमन स्टडीज सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 5 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास वुमन स्टडीज या सोशल साइंस सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सोशल वर्क सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास 55% अंकों के साथ एमएसडब्ल्यू की डिग्री होनी चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ की हैदराबाद कैंपस में 4 और बड़गाम कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ या अरब कल्चर में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल रिलेशंस में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिस्ट्री सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 2 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। SEIP यानी सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में केवल 1 सीट अवेलेबल है।
इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास सोशल साइंस बैकग्राउंड के किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 5 सीट अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 2 सीट अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जूलॉजी सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 3 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 2 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बॉटनी सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 4 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास बॉटनी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की हैदराबाद कैंपस में 4 सीटें अवेलेबल है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के किसी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने UGC, CSIR, JRF, NET, GATE, SLATE, टीचर फेलोशिप परीक्षा क्वालिफाई की है या MPhil की डिग्री ली है तो उन्हें एंट्रेंस एग्जाम से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में शामिल होना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स को ₹550, SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, वुमेन और स्पेशल कैंडिडेट्स को ₹350, वहीं विदेशी कैंडिडेट्स को ₹2,500 की फीस देनी होगी। एप्लीकेशन फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जमा की जाएगी। अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 10 जून 2020 है। 25 से 30 जून 2020 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। 30 जून 2020 से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर एंट्रेंस टेस्ट डेट की बात की जाए तो PhD उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, पर्शियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SEIP, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस टेस्ट 4 जुलाई 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। वहीं मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ट्रांसलेशन स्टडीज और कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, वुमेन स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट का एंट्रेंस टेस्ट 5 जुलाई 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। ये एंट्रेंस टेस्ट वेस्ट बंगाल के आसनसोल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, कर्नाटका के बेंगलुरु, मध्य प्रदेश के भोपाल, कर्नाटका के बिदर, उड़ीसा के कटक, बिहार के दरभंगा, दिल्ली NCR, तेलंगाना के हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के कडापा, बिहार के किशनगंज, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिहार के पटना, महाराष्ट्र के पुणे, उत्तर प्रदेश के संभल और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहरों में कंडक्ट किया जाएगा। 6 जुलाई 2020 को एंट्रेंस टेस्ट की आंसर की जारी की जाएगी। 7 से 8 जुलाई 2020 तक आपको आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। 13 जुलाई 2020 को फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। 16 से 20 जुलाई के बीच एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 27 जुलाई 2020 को एंट्रेंस टेस्ट में पास होने वाले और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर इंटरव्यू डेट की बात की जाए तो उर्दू, पर्शियन और ट्रांसलेशन स्टडी सब्जेक्ट का इंटरव्यू 10 अगस्त 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। अरेबिक, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट का इंटरव्यू 11 अगस्त 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मैनेजमेंट और कॉमर्स सब्जेक्ट का इंटरव्यू 12 अगस्त 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी
और एजुकेशन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का इंटरव्यू 13 अगस्त 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का इंटरव्यू 14 अगस्त 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। वहीं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, वुमेन स्टडीज और SEIP सब्जेक्ट का इंटरव्यू 16 अगस्त 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 20 अगस्त 2020 को जारी की जाएगी। 20 से 22 अगस्त 2020 तक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन फीस जमा करनी होगी। 28 अगस्त 2020 को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। सेकेंड लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 28 से 29 अगस्त 2020 तक एडमिशन फीस जमा करनी होगी। 1 सितंबर 2020 से कोर्स वर्क की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये थी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्वारा जारी PhD एडमिशन नोटिफिकेशन 2020 की पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, आदाब।